पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने ISIS से माफी मांगी है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है, लेकिन ये ISIS वो नहीं जिसे आप समझ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब फेसबुक ने ISIS एल चेली का फेसबुक अकाउंट डिसेबल कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ISIS का अकाउंट डिलीट करने में हैरानी की बात क्या है। दरअसल सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली सॉफ्टवेयर डेवलपर ISIS एल चेली के अकाउंट को फेसबुक ने आतंकवादी संगठन ISIS का अकाउंट समझकर बंद कर दिया। इसके बाद इस युवती ने फेसबुक के ट्विटर हैंडल पर फेसबुक को ट्वीट कर बताया कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि उसका नाम ISIS है और उसके नाम की स्पेलिंग ही ISIS है। ISIS ने अपने नाम की पुष्टि के लिए फेसबुक को अपने पासपोर्ट की कॉपी भी भेजी और फेसबुक को खरी खोटी भी सुनाई, तब जाकर फेसबुक को उस पर भरोसा हुआ। फेसबुक ने अपनी गलती मानते हुए ISIS का अकाउंट फिर से शुरू कर दिया। इस पूरी घटना पर ISIS ने कहा, मैंने अपने अकाउंट को एनेबल कराने के लिए फेसबुक को 3 बार अपनी पर्सनल डिटेल भेजी। फेसबुक मुझे आतंकवादी समझता है। मैंने उन्हें अपने पासपोर्ट की कॉपी भी भेजी, पर शायद फेसबुक के लिए प्रमाण भी मेरा अकाउंट एनेबल करने के लिए काफी नहीं है। फेसबुक के एक रिसर्चर ने ट्विटर पर उनको जवाब देते हुए उनके अकाउंट को फिर से एनेबल किया। फेसबुक के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक एरर था जो फेक अकाउंट को रिपोर्ट करने से होता है। हम इस बात के लिए माफी मांगते हैं और उनके अकाउंट को फिर से एनेबल करते हैं। इस मामले के बाद ISIS नाम के कई और लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई।